आरंग वासियों को इस बार फटाका टाउन हॉल के जरिए बेचा जा रहा है। यहाँ पर पर्याप्त स्थल है जिसके जरिए फटाका व्यापारी यहाँ पर अपने दुकानों के लिए स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ लोगों के द्वारा अफवाह उड़ाई गई थी कि फटाका दुकान अन्यत्र कहीं लगाई जा रही है, लेकिन उन तमाम बातों पर विराम लगाते हुए अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लाइसेंसधारी फटाका व्यापारियों की दुकानें टाउन हॉल में लगाई जा रही है। इस समय फटाका दुकान अपने आरंग के टाउन हॉल में लगाने का प्रस्ताव किया गया था और वहीं पे फटाका दुकान लगा रहे फटाके वाले, और इसमें कोई किसी तरह का कोई विवाद विवाद नहीं है, न विवाद की स्थिति है। और राजनीति में चलते रहे अफवाहों का, कोई न कोई बोलता है कि सब्जी मंडी में लगाएंगे, कोई यहाँ लगाएंगे, ऐसे शांतिपूर्वक टाउन हॉल में निर्णय लिया गया है और फटाका दुकान वहीं पर लगाने का निर्णय हुआ है। यहाँ ये दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें आकर्षक आतिशबाजी की सारी वैरायटियां रखी जा रही हैं। फटाका व्यापारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर ने पीटीवी भारत न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि यहां पर लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। फटाका दुकान जो है अभी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो हम लोग आदेश किया गया आपसी सहमति से हम लोग और बाकी और चीज़ों को और बाकी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सब टाउन हॉल में लगाएंगे, जो कि पूरे ग्राहकों को फटाका हमारे संघ के द्वारा 8 बजे सवेरे से मिलेगा 11 बजे रात तक। वहीं फटाका व्यापारी संघ के सचिव सादिक ने पीटीवी भारत से चर्चा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य आरंग वासियों को सस्ते दर पर आतिशबाजी उपलब्ध करवाना है। हमारे प्रशासन के द्वारा जो हमको निर्देश दिए गए हैं, जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग मिलता है यहाँ पे, वो पूरा सहयोग मिलेगा और प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पे ही हम यहाँ पे फटाकों की दुकान की व्यवस्था करवा रहे हैं। और आपने जो बताया आतिशबाजी के बारे में, तो आतिशबाजी हम अपने ग्राहकों को नए आइटम में हम जो देंगे उनको पॉप पॉप हम उनको बहुत सस्ते रेट में उपलब्ध कराएंगे। लगभग 5 रुपये में हम उनको पॉप पॉप उपलब्ध कराएंगे, जबकि मार्केट में 10 रुपये के हिसाब से या 7 रुपये के हिसाब से उपलब्ध होता है। साथ में फुलझड़ी जो है, फुलझड़ी जो मेन आइटम है फटाकों का, अनार फुलझड़ी और चक्री, वो हमारे ग्राहकों को हम बहुत सस्ते रेट में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इस समय फटाके के मार्केट में लगभग 90% तक की वृद्धि हो चुकी है। लेकिन हम इस समय हमारे संघ ने निर्णय लिया है कि महंगाई को देखते हुए हम कम कमाकर ग्राहकों को विशेष प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। देखिए, यहाँ ग्राउंड बहुत बड़ा है और ये वाले साइड में, इस साइड में हम लोग ये जेसीबी जो खड़ी हुई है, ये इसको पूरा साफ करवा के यहाँ पे विशेष रूप से पार्किंग की व्यवस्था करवाएंगे। कुछ पार्किंग जो है हम थोड़ा सा बाहर में भी देंगे हल्का सा, और फोर व्हीलर गाड़ियों को हम अंदर आने नहीं देंगे, बाइक ही हमारे ग्राउंड के अंदर आ सकती है। और विशेष रूप से पार्किंग की व्यवस्था के लिए हम अधिकारियों के पास जाके उनसे निवेदन करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले ग्राहकों को असुविधा ना हो, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था पर भी वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के सारे मापदंडों को फटाका व्यापारियों द्वारा पूरा किया जा रहा है, यानी इस बार आरंग व्यापारियों के लिए फटाका खरीदारी काफी आकर्षक और सुविधाजनक होने को है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीवी भारत न्यूज।